अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग कैसे हैं? आज की वीडियो में हम घेवर बनाएंगे। घेवर एक तरह की मिठाई है, ये सावन महीने में मिलती है जैसे रक्षाबंधन में। अब हम एक मेज़रिंग कप लेंगे, उस कप से हम दो कप मैदा लेंगे। जैसे दो कप मैदा ले लिया है तो उसका हाफ एक कप देसी घी लेंगे और उससे तेज़ गर्म कर लेंगे। जब इसमें से धुआं निकलने लगेगा तो एक बड़े बर्तन में जो गहरा हो उसमें डालेंगे। इसे हमें घी को फेंटना है, गहरा बर्तन रहेगा तो एक जगह इकट्ठा हो जाएगा तो हमें फेंटने में सही रहेगा। जैसे ये कढ़ाई है, इसमें घी खोलता हुआ डाल दिया। अब इसमें हम 7-8 क्यूब्स बर्फ़ के डाल देंगे। अब इसे एक चाकू की मदद से चलाएंगे, क्योंकि घी हमारा खोल रहा है तो हाथ नहीं लगा सकते, इसलिए चाकू की मदद से इसे इस तरह से चलाएंगे। जब घी ठंडा हो जाएगा तब इसे हम हाथ से फेंटेंगे। अब हम एक बर्तन लेंगे या पैन लेंगे, उसमें हम ज़्यादा सा तेल डालेंगे। आप रिफाइंड तेल या देसी घी का यूज़ कर सकते हैं, हमने रिफाइंड तेल में बनाया है। हमने पूरा 1 लीटर तेल लिया है। अब इसे गैस पर चढ़ा दिया गर्म होने के लिए। ये मोल्ड है घेवर का, ये लोहे वालों की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। इसे एक बार ख़रीद लिए हमेशा काम आएगा। अब हम घी को फेंटेंगे। घी बिल्कुल ठंडा हो गया, अब हाथों की मदद से इसे खूब फेंटेंगे। इसे इतना फेंटना है जितना घी हमारा था उसकी तादाद दुगनी हो जाए और ये बिल्कुल खुद हल्का हो जाएगा, आपको खुद ही पता चलने लगेगा। अब हमारा घी करीब करीब फिट गया है, देखिए इस तरह से कुछ सफ़ेद हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा मैदा करके डालेंगे। थोड़ा थोड़ा मैदा डालिएगा, नहीं तो इसमें गांठें बढ़ जाएंगी। थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे और इसे फेंटेंगे। इसमें हम पानी का यूज़ भी करेंगे, जैसे 1.5 कप पानी ले लेंगे, उसमें हम 8-10 क्यूब डाल देंगे बर्फ का और इसे हाथों की मदद से खूब फेंटेंगे। ये बिल्कुल ठंडा रहना चाहिए तभी इसका घेवर बनेगा, नहीं तो जैसे ये पूड़ी होती है उस तरह से बन जाएगा। ये थोड़ा थोड़ा मैदा डालेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसे खूब फेंटेंगे। अब हमारा मैदा पूरा फिट गया है। इसे हम एक बर्तन में करके फ्रिज में रख देंगे। जितना ये ठंडा रहेगा उतना अच्छा घेवर बन के तैयार होगा। हम एक पेप्सी की बोतल लेंगे, उसके कैप में एक छेद कर देंगे और एक फनल की मदद से ये बोतल एकदम पतला पेस्ट भर देंगे। अब हमारा तेल गर्म हो गया है। अब इसको बीचों बीच हम घेवर मोल्ड रखेंगे। कढ़ाई ये ध्यान दीजिएगा कि फ्लैट हो, गहरी होगी तो अच्छा बनेगा नहीं। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा एकदम पतला घेवर पेस्ट डालेंगे। अब बीच में छेद करे जाएंगे एक चाकू की मदद से। पहला घेवर हमारा ख़राब हो गया था, टेस्टिंग चल रही थी, अब हम दूसरा घेवर बनाएंगे। उसके बाद आप सारे घेवर बहुत आसानी से बना लेंगे अगर आप मेरे रेसिपी से घेवर ट्राई करेंगे तो। थोड़ा सा एकदम पतला पेस्ट डालिएगा और बीच में छेद कर दीजिएगा। इसी तरह से करेंगे, बहुत आसानी से घेवर बनके तैयार हो जाएगा। मेरा 2 कप मैदे में करीब 8-10 घेवर बनके तैयार हुआ था। ये मेरा पहला घेवर है। हम एक प्लेट लेंगे और उसमें जाली रख देंगे ताकि जितना तेल हो नीचे आ जाए। अब हमारा इसी तरह से सारा घेवर हमने बना लिया, बहुत आसानी से बन गया। इस प्रोसेस को हमेशा हाई फ्लेम पे करिएगा। अगर आपको लगे कभी बीच में कि ज़्यादा तेज़ है तो थोड़ी देर के लिए कम कर दिएगा, लेकिन हाई फ्लेम पे ही घेवर बनेगा। ऐसे थोड़ा थोड़ा डालेंगे और एक चाकू से इसमें बीच में छेद करेंगे। इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब हम करीब 2 कप दूध लेंगे। 2 कप दूध लेंगे, मेरे पास 150 ग्राम खोया रखा हुआ था, इसे गर्म होने के बाद उसे डाल देंगे।
अगर आपके पास खोया नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप इसमें जैसे 1 लीटर दूध लीजिएगा उसे इतना गाढ़ा पकाइएगा कि 300 ml बचे बस। वो हमारे पास खोया था इसलिए हमें दूध की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब हम 2 कप चीनी लेंगे और 1 कप पानी डाल के इसे खूब गाढ़ा पकाएंगे। अगर आपका शीरा पतला रहेगा तो आपका घेवर सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए खूब गाढ़ा शीरा बनाइएगा, इसे खूब गाढ़ा बनाइएगा। अब इसमें हम शीरा डाल देंगे, इसमें ऊपर से रबड़ी डाल देंगे। अब बहुत लोग इसमें शीरा में डुबाते हैं, लेकिन इस तरह से बनाइएगा कम मीठा रहेगा, अच्छा रहेगा। अब हम पिस्ता बारीक काट के डाल देंगे, चांदी का वरक लगा देंगे। मेरा इतना घेवर बन के तैयार हुआ है। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।